कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। बयान वो विदेश में दे रहे हैं, लेकिन बवाल भारत में हो रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान देकर ट्रोल तो वो पहले ही हो रहे थे कि अब एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे हंगामा होना तय। अपने ऊपर लगे देश का अपमान करने के आरोप पर उन्होंने उल्टा इल्जाम पीएम मोदी पर ही लगा दिया है। इस बार उन्होंने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन में सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं इस पूरी खबर के बारे में, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने बीबीसी का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा, देश का अपमान मैं नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी करते हैं। इसके अलावा आपको एक एक पॉइंट करके समझाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। पीएम करते हैं देश का अपमान। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे देश का अपमान करने के आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा कि मुझे ये याद है कि पिछली बार प्रधानमंत्री विदेश गए थे, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि आजादी के 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने एक दशक खो दिया है, भारत में बेहिसाब भ्रष्टाचार है। ये सब उन्होंने विदेश में कहा था। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये हर भारतीय का अपमान नहीं है? तो यहाँ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर खुलेआम निशाना साधा, सरकार से सवाल करने वालों पर हमला बोला। इसके अलावा आगे राहुल गांधी कहते हैं, यदि कोई पीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, उन्हें सपोर्ट करता है, तो उसका भी आंख मूंद कर समर्थन किया जाता है। लेकिन इसका उल्टा, अगर कोई उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाता है, तो उस पर हमला किया जाता है। आगे राहुल गांधी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करते हुए कहा, कुछ ऐसा ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के साथ हुआ है। बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और मोदी सरकार ने विवाद पैदा कर दिया, इसे एक प्रोपेगेंडा बताया। पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं। वही राहुल गांधी से वहां सवाल हुआ कि अगर आप पीएम उम्मीदवार होंगे, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा, मेरा पीएम कैंडिडेट होना चर्चा का विषय नहीं है, विपक्ष का सेंट्रल आइडिया भाजपा और आरएसएस को हराना है। मोदी की शैली से सहमत नहीं। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा, ये आइडिया कि एक आदमी सभी समस्याओं को हल करता है सतही है, लोगों से बात करने से समस्याएं हल हो जाती हैं। इसके लिए हितधारकों और सरकार के बीच बातचीत जरूरी है। मैं ऊपर से नीचे तक एक व्यक्ति वाली नरेंद्र मोदी शैली से सहमत नहीं हूं, जो चीजों को ठीक करने के लिए जादू की छड़ी लेकर इधर उधर भागता है। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे वो विवादों में घिर सकते हैं। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दिया था और भारत के कई मुद्दों पर बातचीत की थी। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और चीन की तारीफ भी की थी।